नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग मस्त होंगे। और आज मैं अपने गांव में हूँ, इस समय पहाड़ में हूँ, और यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। सुबह के 6 बज रहे हैं और एक तरफ अभी बारिश भी हो रही थी हल्की सी, अभी अभी धूप भी निकल गई है और सूर्य देवता ही देखिए निकल चुके हैं। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और सामने जो है यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी ताऊ जी जो है हमारी प्यारी सी बच्चिया को रोटी खिला रहे हैं। तो ये देखिए, और वो मजे ले रही है रोटी के, कितनी प्यारी लग रही है। अभी मौसम ऐसा हो गया था कि धूप आ रही थी और अचानक ही बारिश हुई और खूब सारा कोहरा हो गया। और ये विजय बाबू हमारे आ चुके हैं हेलो। हमारे साथ। तो कैसा मौसम देखो, एकदम चेंज हुआ ना? मौसम, मैं तो सुबह जब सो रहा था मेरे को लगा आज धूप, आप दिन में फिर गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन अचानक से इतनी तेज बारिश पड़ी है कि हालत हो गया पहाड़ों खराब। के मौसम का कोई भरोसा नहीं कब कैसा क्या हो जाए। सुबह मैंने आपको धूप दिखाई थी, थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी, अचानक इतनी तेज बारिश हुई है और उसके बाद ये देखिए पूरा तरफ कोहरा लग गया है। दोस्तों, अगर मैं आपको बारिश कितनी हुई दिखाऊं तो देखिए इतना पानी बहा है, देखो ये पूरी मिट्टी बह गई है, यहाँ गड्ढे पड़ गए हैं। और जब शहरों में भयंकर जो गर्मी पड़ रही है, यहाँ पहाड़ में आज ऐसा लग रहा है कि आज स्वेटर पहनना पड़ेगा, ठंडा माहौल हो गया बिल्कुल। तो दोस्तों, अब अभी हम पहुँच चुके हैं गोदाम में, कार्यक्रम स्थल में। तो यहाँ देखो बारिश ने क्या हाल किया है, बहुत पूरे कुछ टेंट को नुकसान पहुंचा दिया। पूरे टेंट के ऊपर से पानी आया, इधर से पानी आया, अब ये दोबारा से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और यहाँ तो पहाड़ों में ऐसा होता ही है, एक बार बारिश तेज आ जाए, आधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो टेंट वेंट सब हवा में उड़ जाते हैं। फिर से मेहनत करो, फिर से तैयारी करो, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं इसको नए तरीके से। भयंकर बारिश हुई है और ये देखो तो यहाँ पे सब बहुत सारा चीज सामान बिखर गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1-1.5 घंटे में हम इसको तैयार करके फिर दे देंगे दोबारा से। ठीक है ना भैया, तैयार हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, तैयार होते हैं ना, अभी करते हैं इस काम फिर दिखाते हैं आप। हमारा भी टेंट का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में हमारा जो स्टोर रूम बना था वहाँ भी पानी आ गया है। तो हम नए सिरे से फिर से दोबारा से अपना स्टोर रूम बना रहे हैं। और ये देखो ये क्या करा, ये हमारे नारू भाई है, ये भी कटिंग कर रहे हैं और हल्का सा इन्होंने मेरे को लकड़ी मेरे पैर में लगा दी है। तो ऐसा काम हो रहा है भैया, सब जल्दी। तुमने आरी तो चलाई नहीं इससे पहले, फिर अभी कैसे करोगे काम को? तो हर काम आदमी पहली बार ही करता भैया। हाँ तो ठीक है, अच्छे से बनाओ, इसके एंगल बनाओ बढ़िया, हो जाएगा ये आज अभी 2 बजे से पहले। चलो चलो करिए आप अपने काम। विजय मटवा के साथ हमारे वेद भाई लगे हुए हैं ग्वालियर से, पूरे काम को जो है निपटा रहे हैं बड़े प्यार से, गिरा दिया इन्होंने बहुत जल्दी से। सीख गया बंदा, सीख गया। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और भागवत कथा चालू है और पांडास डूब कर बिखर गया था पूरा, वो हमने रेडी कर दिया है। वेद भैया ने भी इस बार बहुत मेहनत करी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर पांडाल तृतीय गांठ फटी, 7 दिन की कथा से सातों गांठ फट गई। और जब सातों गांठ फटी तो उसमें से एक दिव्य देहधारी पुरुष निकला है। उस पुरुष ने सबको, गोकर्ण महाराज को, देवताओं के दूत आए, धुंधकारी महाराज को उसने बिठाया है। गोकर्ण महाराज से भी कहा कि हे गोकर्ण महाराज, आप हमारे साथ चलिए। निकला नहीं, अकेले जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। और जो हमारे आनंद भाई हैं, अभी चाय बना रहे हैं सबके लिए और चाय की पूरी तैयारी यही कर रहे हैं अभी बना के, और अभी पांडाल में सबको चाय पिलाएंगे। तो हम गोदाम से थोड़ा सा ऊपर घूमने आए हैं, तो अगर मैं आपको इससे पीछे का दृश्य दिखाऊं, वो देखो नीचे को पूरा जंगल घुमा हुआ है। लेकिन आजकल हुआ क्या, यहाँ पे चीड़ के पेड़ है, इसकी जब पत्तियां गिरती हैं तो पूरा जंगल में लग जाती है आग। और देखो जो हरियाली थी वो सारी हो गई। क्या इस समय तो चीड़ के पेड़ में फल भी लगते हैं, बीज टाइम होते हैं, तरबूज के बीज बड़े प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं वो, और खाने में भी उतने टेस्टी होते हैं, खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी। हाँ तो इस समय काफी लोग मतलब पहाड़ी बादाम कह सकते हैं। हाँ पहाड़ी बादाम बोल सकते हैं। और दिखाओ मैं आपको एक पहाड़ का सामने पीछे छोटा सा, ये कलाकारी देखो ऊपर पीछे एक मंदिर सा जो बना हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें पत्थर पे कहीं पे भी सीमेंट वेमेंट लगा है, ये बहुत अच्छी चिनाई है, पत्थर की कलाकारी। बहुत पुराना मंदिर है ये। दिखाता हूँ मैं आपको पीछे के गोदाम का दृश्य। तो वो अपने पीछे गोदाम वहाँ पे कथा हो रही है, वहाँ पे कुछ लोग भक्तगण भी इधर पा रहे हैं अभी। और भैया का क्या है, देखो आज बैलेंस ही नहीं बन पा रहा, बहुत गिर रहा है। तो अभी भागवत समाप्त हो गई है और अभी यहाँ पर भंडारा हो रहा है।
दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।